आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैं सीमा सहोत्रा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोस्टेड नाकुमट के बारे में कि वो क्या होता है, किस तरह का होता है और हम लोगों को किस फॉर्म में वो प्रोवाइड होता है। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। इसी के साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो नाकुमट होता है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाता है। एक नाकुमट वो होता है जिसको हम लोग काफ़ी प्रोसेस के बाद बनाते हैं, मतलब काफ़ी उसमें चाहे हम लोग उसको रोस्ट कर दें तो इस तरह से वो नाकुमट हम लोग तैयार करते हैं, तो उसी नाकुमट को बोलते हैं हम लोग रोस्टेड नाकुमट, यानी कि जो भुना हुआ नाकुमट होता है वो होता है रोस्टेड नाकुमट। अब यदि बात करूँ रोस्टेड नाकुमट के बारे में कि किस फॉर्म में आपको मिलता है, तो आपको ये ग्रैन्यूल के फॉर्म में भी मिल सकता है और जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं उनके रूप में भी आपको ये प्रोवाइड होता है, किया जाता है। ऑनलाइन काफ़ी, मतलब ये जो रोस्टेड नाकुमट है ऑनलाइन आपको काफ़ी मिलता है। अब यदि मैं बात करूँ कि यदि आप रोस्टेड नाकुमट खाते हो तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है या तो फिर नहीं होता है, क्योंकि तो काफ़ी लोगों का मानना होता है कि जब हम लोग नाकुमट को रोस्ट कर देते हैं तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो नाकुमट होता है, चाहे आप उसको रोस्टेड फॉर्म में खाओ चाहे आप उसको नॉन रोस्टेड फॉर्म में खाओ, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो एज इट इज़ रहते ही रहते हैं। तो जब हम लोग उनको खाएंगे तो जो जब वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहे हैं या तो फिर हम लोग उनको अपने माउथ के थ्रू खा रहे हैं, तो सबसे पहले वो वहाँ पर ही जाकर हम लोगों को साइड इफ़ेक्ट करते हैं। जब हम लोग नाकुमट को उसको खाएंगे तो हमारे मुंह में घाव हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है नाकुमट मिट्टी होती है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो रोस्ट फॉर्म में आपको मिल रहा है या तो फिर वो नॉन रोस्टेड आपको फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मैंने आपको जैसे भी बताया वो एज इट इज़ रहते ही रहते हैं। वो किडनी स्टोन आपको करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब आप उसको लॉन्ग टर्म से खाते हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने एक दिन नाकुमट के लिए खा ली दूसरे दिन और आपको स्टोन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो किडनी स्टोन भी होते हैं वो भी जस्ट लाइक जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब इकट्ठे होकर एक स्टोन बनेंगे तभी आपको किडनी स्टोन करेंगे, ऐसे वो नहीं करेंगे। और हमारी किडनी के लिए काफ़ी मुश्किल होता है उनको फिल्ट्रेट करना, और जो वो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वो नीचे हमेशा बैठ जाते हैं और वो ही एक पत्थर बनते रहते हैं और लास्ट में वो एक स्टोन का रूप ले लेते हैं, तो वही होते हैं किडनी स्टोन। सो अब बात ये आती है कि जो रोस्टेड नाकुमट होता है उसको खाने के साइड इफ़ेक्ट हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको क्लियरली समझाया, हाँ जी होते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि उसके पार्टिकल्स नहीं, आप नाकुमट को रोस्ट कर दो लेकिन उसके पार्टिकल्स वैसे ही रहेंगे, आपको साइड इफ़ेक्ट इसके हो सकते हैं। सो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस था, क्योंकि काफ़ी लोगों का मानना होता है कि जब हम लोग नाकुमट को रोस्ट कर देते हैं तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट रहते ही रहते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। और यदि मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।